हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वायरलेस माइक के बारे में। गाइस, तो यहाँ पे है मेरे पास वायरलेस माइक, आप देख सकते हैं। क्या आपको पता है कि इसे कैसे यूज करना है? नहीं। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम अपने वायरलेस माइक को यूज कर सकते हैं। गाइस, कैसे हम अपने वायरलेस माइक को यूज करके अच्छी क्वालिटी का वीडियो बना सकते हैं जिसमें अच्छी क्वालिटी का वॉइस भी हो। देख सकते हैं गाइस, कुछ इस तरीके से ये वायरलेस माइक का डिवाइस आता है। तो इसे आप अपने स्मार्टफोन के साथ कैसे यूज कर सकते हैं? मेरे पास कोई और रास्ता है। तो चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे है मेरे पास वायरलेस माइक। गाइस, अगर आप इस वायरलेस माइक को जो है परचेस करना चाहते हो तो इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से जो है इसे परचेस करके मंगा सकते हैं। गाइस, जैसे ही आपके पास ये वायरलेस माइक आ जाता है तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप इसे सिंपली मोबाइल के अंदर कनेक्ट कर दो और ये आपका माइक जो है वो डायरेक्ट चालू हो जाए। भाई, भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। ऐसा नहीं होता है गाइस, क्योंकि आपको जो अपने स्मार्टफोन के अंदर भी एक सेटिंग करना रहता है, उस सेटिंग को करने के बाद ही आप इस माइक को जो है यूज कर सकते हो। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे है मेरे पास अभी स्मार्टफोन। तो जैसे कि अपने स्मार्टफोन के अंदर ये वाला डिवाइस जो है मैं कुछ इस तरीके से यहाँ से सेट कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से ही लगता है ये वाला डिवाइस। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने इसे सेट कर दिया है और इसे सेट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास माइक। तो गाइस, इस माइक को ऑन करने के लिए सिंपली आपको ये बटन को जो है उसे 2 सेकंड के लिए प्रेस करना है। प्रेस करते आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे ग्रीन और रेड लाइट चालू हो जाती है। तो गाइस, इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये जो है अपने स्मार्टफोन के साथ अभी कनेक्टेड है। और गाइस, इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि अगर हम इस माइक से अभी रिकॉर्ड करें तो इस माइक से ही वॉइस आए, क्योंकि हमारा ये जो माइक है अभी अपने स्मार्टफोन के साथ कनेक्टेड नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो गाइस, इसे कनेक्ट करने के लिए सिंपली आपको अपने स्मार्टफोन के अंदर यहाँ पे सबसे पहले सेटिंग्स के अंदर आना है और सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है OTG। आप देख सकते हैं गाइस, OTG टाइप करते ही आपको एक OTG कनेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पे टाइप करने के बाद आपको ये जो OTG कनेक्शन है उसे यहाँ पे ऑन करना है। ऑन करते आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे जो रेड और ग्रीन लाइट हो रही थी उसकी जगह पे अभी ओनली ग्रीन लाइट चालू हो गई है। तो इसका मतलब है कि हमारा ये जो माइक है अभी ऑन है और अभी हम जो भी रिकॉर्ड करते हैं तो वो इस माइक से ही रिकॉर्ड होता है। और अभी हम अपने इस माइक से रिकॉर्ड करके कोई भी वीडियो या ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसे ऑफ करने के लिए सिंपली हम फिर से यहाँ पे 2 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे। प्रेस करते ही आप देख सकते हैं हमारा ये जो माइक है ये ऑफ हो जाता है और अपने स्मार्टफोन के साथ डिस्कनेक्ट भी हो जाता है। गाइस, तो कुछ इस तरीके से जो है आप अपने वायरलेस माइक को अपने स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट करके रिकॉर्ड कर सकते हो और अच्छी क्वालिटी का वॉइस जो है उसे अपने वीडियो में या ऑडियो में जो है रिकॉर्ड कर सकते हो। गाइस, तो मेरी वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल रही हो तो इसे लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल पे आप अगर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।